How to change location in Free Fire weapon gallery, FF weapon gallery location change. Hey guys, welcome back to video. तो जी गाइस, आज हम बात करेंगे कैसे आप लोग फ्री फायर का जो वेपन गैलरी मिलता है ना, उसका जो लोकेशन है उसको आप लोग कैसे चेंज कर सकते हो। एंड अगर अभी आप लोग जाओगे वेपन गैलरी के अंदर उसको लोकेशन चेंज करने के लिए जाओगे तो आपको कुछ स्टेप से दिक्कत मिलता है। यहाँ पे देख सकते हो कुछ ऐसे दिक्कत आ रहा है स्टेट का या फिर डिविजन का या फिर सब डिविजन भी चेंज करना चाहते हो। अगर आप लोग अभी चेंज कर चुके हो उसके बाद फिर से चेंज करना चाहते हो तो वहाँ पे भी आपका दिक्कत आएगा। तो अगर आपका भी लोकेशन चेंज करने में दिक्कत आए एंड आप लोग चेंज करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलो गाइस, वीडियो को एंड तक देखते रहना एंड वीडियो को अभी तक लाइक नहीं तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर बेल आइकन को दबा के शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार शुरू करते हैं बिना किसी वक्त। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले तो जो वेपन के लिए मिलते हैं ना, उसके अंदर जाने के लिए आपको जाने वेपन के अंदर, तो यहाँ पे आप लोग वेपन पे क्लिक करना। जैसे आप लोग यहाँ पे वेपन पे क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा मास्टरी करके एक ऑप्शन, जैसे आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन आ रहे हैं तो आपको इस पे क्लिक करना है। इस पर आप लोग जैसे क्लिक करोगे ऊपर का साइड में एक ऑप्शन आ जाएगा, देख सकते आप लोग देख सकते हो वेपन गैलरी का, तो आप लोग इस पे क्लिक करना। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पे आप लोग आ जाएंगे वी आर वेपन गैलरी के अंदर या फिर तो सी एस वेपन गैलरी के अंदर, तो दोनों का आपको वेपन गैलरी मिलेगा। दोनों के अंदर ही आपको अलग अलग लोकेशन का अलग अलग बैजेस मिलेगा, अलग अलग गन का अलग अलग बैजेस मिलेगा, तो दोनों आपको जो वेपन गैलरी आपको इधर मिल जाएगा। ऐसे ही आप लोग जो अपने जो लोकेशन है उसको चेंज कर सकते हो। क्या बात है गाइस, अभी एक बहुत ही मस्त ऑफर आया जिसे आप लोग फ्री फायर के अंदर फ्री में बहुत से डायमंड ले सकते हो, फिर में रिडीम कोड भी ले सकते हो। लेकिन कैसे क्या करना है, कैसे आप लोग क्लेम कर सकते हो, इसके बारे में जानना है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में गाइस आपको और एक वीडियो का लिंक मिलेगा, इस वीडियो को देखने के बाद उसको जाके देख लेना। एंड यहां पे गाइस जिनको अभी तक वेपन गैलरी का सिस्टम के बारे में नहीं पता है तो थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पे बेसिकली क्या होता है, अलग अलग गन्स का ना अलग अलग आपको बैजेस मिलते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हो वेस्ट बंगाल का बैजेस आ रहे हैं, मतलब आपका जो स्टेट है या फिर जो इंडिया है ना, पूरा का पूरा इंडिया का भी आप लोग बैजेस ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो इंडिया का भी अभी अलग अलग बैजेस वगैरह मिल रहे हैं एंड टॉप 100 बंदे को यहाँ पे बैजेस वगैरह मिलता है, जैसे आप लोग देख सकते हो। तो इतने सारे लोगों को बैजेस मिल सकते हैं, इतने सारे लोगों को बैजेस मिल सकता है एंड बैजेस आपको अलग अलग, मतलब फ्री फायर के अंदर जितनी भी सारी गन है सभी गन के अंदर आपको बैजेस मिलेगा। आपका तीनों लोकेशन के अंदर आपको बैज मिल सकता है। सबसे पहले इंडिया का आपको मिलेगा, पूरा का पूरा इंडिया का आपको मिल सकता है या फिर तो आपको वेस्ट बंगाल का मिल सकता है, वेस्ट बंगाल मतलब आपका जो स्टेट है ना उसके अंदर आपको मिल सकता है। एंड इसके बाद आपका सब डिविजन यानी कि आपका जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है उसका भी आप लोग यहाँ पे ले सकते हो वेपन के लिए बैज। तो ये तीनों लोकेशन का आपको बैज मिल सकता है। एंड बाकी यहाँ पे जो बैज मिलता है ना, इसको लेने के लिए आपको स्कोर करना पड़ता है, जो कि आप लोग जो गन से खेलोगे जितनी भी सारी गन है ना फ्री फायर के अंदर उनको लेके आपको बस खेलना पड़ेगा। जितना ज्यादा खेलोगे, जितना किल वगैरह करोगे, जितना ज्यादा खेलोगे, जितना ज्यादा डैमेज दोगे उस हिसाब से पॉइंट मिलेगा, स्कोर मिलेगा, सब लोग देख सकते हो। एंड ये वाला स्कोर आपके पास जितना ज्यादा होगा उस हिसाब से आपको बैजेस मिलेगा। तो इंडिया का नंबर वन पे आप लोग देख सकते हो इनका जो स्कोर वगैरह आप लोग देख सकते हो। तो ऐसे करके आपको जो यहाँ पे बैजेस वगैरह मिलते हैं, ठीक है समरिया। एंड बाकी किसको कौन सा बैज मिले चेक करने के लिए आप लोग यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। यहाँ पे एंड यहाँ पे क्लिक करके सबसे पहले जो गन का कैटेगरी होता है आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो राइफल्स, मार्कमैन राइफल वगैरह आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। और इसके बाद यहाँ से भी आप लोग गन का जो एग्जैक्टली नेम है वो आप लोग चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक करके आप लोग थोड़ा बहुत देख सकते हो कि इसका कितना ज्यादा स्कोर है, कौन सा गन का कितना ज्यादा स्कोर है। तो जो भी गन का कम स्कोर रहेगा उस हिसाब से आप लोग खेल सकते हो एंड फिर आपका जो स्कोर है वो ज्यादा बना सकते हो। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो ऐसे करके, ठीक है। तो बात करते हैं आप लोग कैसे लोकेशन को चेंज कर सकते हो। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पे क्लिक करना, लोकेशन का ऑप्शन देख रहे हो तो आप लोग इस पे क्लिक करना। बाकी अलग अलग लोकेशन का जो अलग अलग बैजेस वगैरह मिलते हैं अलग अलग लोगों को देखने के लिए, आप लोग बस यहाँ पे जो आपका यहाँ पे स्टेट आ रहा है या फिर जो इंडिया आ रहा है या फिर जो आपका सब डिविजन रहेगा उन पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। बाकी लोकेशन चेंज करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना, लोकेशन पे क्लिक करना। जैसे यहाँ पे क्लिक कर दोगे यहाँ पे आपका तीनों लोकेशन पे आ जाएगा। सबसे पहले आपका रीजन इंडिया का यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद आपका डिविजन मतलब आपका स्टेट का आ जाएगा, उसके बाद आपका सब डिविजन यानी आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। तो तीनों लोकेशन आप लोग इधर से सिलेक्ट कर सकते हो। गाइस अभी एक बहुत ही मस्त ऑफर आया जिसे आप लोग फ्री फायर के अंदर फ्री में बहुत से डायमंड ले सकते हो, फिर में रिडीम कोड भी ले सकते हो। लेकिन कैसे क्या करना है, कैसे आप लोग क्लेम कर सकते हो, इसके बारे में जानना है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में गाइस आपको और एक वीडियो का लिंक मिलेगा, इस वीडियो को देखने के बाद उसको जाके देख लेना। तो अगर आपका एक न्यू अकाउंट है, न्यू फ्री फायर का अकाउंट है, तो जैसे ही आप लोग वेपन गैलरी का यहाँ पे जो सेक्शन होता है इसके अंदर आओगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे लोकेशन वगैरह चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे इंडिया पहले से सिलेक्ट रहता है, उसके बाद जो वेस्ट बंगाल का मतलब यहाँ पे जो आपका स्टेट रहेगा इसको सिलेक्ट करने का आपको ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद नीचे का भी आपको ऑप्शन मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग पहले से सिलेक्ट करके रखे हो या फिर आपका ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है या फिर ये दो चीज मतलब ऊपर का जो इंडिया है या फिर जो आपका स्टेट है ना पहले से अगर सिलेक्ट रहेगा तो इसको आप लोग बाद में चेंज नहीं कर सकते। ये चीज यानी कि जो आपका स्टेट है ना वो फ्री फायर को पहले से ही पता है आप लोग कौन से स्टेट से खेलते हो, कौन सा आपका स्टेट है, तो उस हिसाब से फ्री फायर खुद से भी सिलेक्ट कर लेते, खुद से भी आप कर देते, तो आपका जो भी स्टेट रहेगा उस हिसाब से सिलेक्ट हो जाएगा। तो उससे मेरा क्या फायदा? लेकिन गाइस यहाँ पे जो सब डिविजन है जो आपका डिस्ट्रिक्ट है ना इसको आप लोग चेंज कर सकते हो, बार बार चेंज कर सकते हो, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। एंड इसमें भी दिक्कत आता है लेकिन कैसे चेंज हो जाए मैं आपको बता दूंगा। बाकी ऊपर का जो तो दो चीजें ना इसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते, अगर चेंज करना चाहते हो इसके लिए आपको अलग स्टेट पे जाना
रहना पड़ेगा आपका फोन को लेके, भाई कुछ दिन तक आपको रहना पड़ेगा अलग स्टेट में जाएगी, फिर जाके आपका जो डिविजन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इसके अलावा कोई तरीके से आप लोग चेंज नहीं कर सकते, तो फिलहाल तो कोई ऑप्शन नहीं है चेंज करने का यहाँ पे। तो यहाँ पे जो स्टेट है एंड जो कंट्री है ना, इसको आप लोग फिलहाल चेंज नहीं कर सकते, तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। फ्री फायर को पहले से पता होता है आप लोग कौन से स्टेट से खेलते हो, तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है, या फिर तो अगर आप लोग पहले से सिलेक्ट कर दिए थे तो उस हिसाब से भी आपका सिलेक्ट हो जाएगा। एंड बाकी सब डिविजन चेंज करना चाहते हो, आपका डिस्ट्रिक्ट चेंज करना चाहते हो, इसके लिए बस क्या करना, यहाँ पे नीचे जो सब डिविजन का ऑप्शन आपको मिलता है ना, यहाँ पे आप लोग बस क्लिक करना। जैसे ही आप क्लिक करोगे, अगर पहले से सिलेक्ट रहेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको कुछ दिन वेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर सिलेक्ट नहीं रहेगा तो आप लोग बस क्लिक करना। उसके बाद आपको बस क्या करना है, यहाँ पे कोई भी मतलब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करके आपको बस कन्फर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही कन्फर्म पे क्लिक करोगे आपका जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन तुरंत से यहाँ पे अपडेट नहीं होगा, आपको यहाँ पे नेक्स्ट मंडे तक वेट करना पड़ेगा। मतलब आप लोग जिस दिन भी सिलेक्ट किए थे ना, उसके बाद जो नेक्स्ट मंडे आएगा, मतलब सामने का जो मंडे आने वाला है, उस मंडे तक आपको वेट करना पड़ेगा। मंडे को सब कुछ रिफ्रेश होते हैं, मंडे को सब कुछ अपडेट होते हैं, तो मंडे को आपका जो यहाँ पे लोकेशन है ना वो चेंज होने वाला है, तो आपको मंडे तक वेट करना पड़ेगा। जैसे मंडे हो जाएगा उसके बाद आपका जो लोकेशन है वो चेंज हो जाएगा। तो जिस दिन भी आप लोग लोकेशन चेंज करिए, उसके बाद मंडे तक आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपका जो लोकेशन चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको उसके बाद और कुछ नहीं करना है, बस मंडे तक वेट करना, बस यहाँ पे चेंज करना, आने के बाद बस मंडे तक वेट करना, आपका पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे यही लिखा आता है कि आपको नेक्स्ट मंडे तक वेट, उसके बाद आपका जो चेंजेस है वो अपडेट हो जाएगा। बाकी अगर आपका वेपन का बैच भी मिल चुका है, आपका स्कोर भी बहुत ज़्यादा हो चुके, तो उसका भी जो अपडेट होता है ना वो मंडे के होता है। मतलब मंडे को यहाँ पे जो आपका बैजेस वगैरह होते हैं सब कुछ आपको मिलेगा। जितने भी कुछ होता है ना वेपन का सिस्टम के अंदर, सब कुछ मंडे को ही अपडेट होता है। तो जो भी कुछ आपको मिला या फिर जो भी कुछ सब लोग चेंज कर रहे हो, सब कुछ मंडे के दिन ही अपडेट होने वाला है। जो मंडे आएगा उस दिन ही आपका जो सब कुछ चेंज होने वाला है। तो कुछ इस तरह से गाइस आप लोग अपने फ्री फायर का जो वेपन गेम होता है इसका लोकेशन चेंज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आप लोग स्टेट का तो चेंज नहीं कर सकते हो फिलहाल, लेकिन सब डिविजन का कर सकते हो, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। तो बस गाइस वीडियो ऐसा था, आई होप आपको वीडियो पसंद होगा। वीडियो पसंद तो आपका स्क्रीन के ऊपर गाइस और एक वीडियो होगा, आप लोग उसको भी जगह देख सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग जगह देख लेना उसको भी। एंड इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर ब्रेक नहीं उसको तो गल पे चेक करना। तो वो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।